बढ़ते 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 उद्धव आगे बढ़े, एक मूर्ति खड़ी हुई है। उद्धव ने पूछा, गोपियों क्या तुम ब्रजवासी इतना भी नहीं कर सकते कि इस मूर्ति के लिए अच्छा कोई मंदिर बना दो, स्थल बना दो, वहाँ रोज पूजा अर्चना हो जाए, इसकी सुबह शाम आरती हो जाए, ये मूर्ति जंगल में खड़ी हुई है। गोपी मुस्कुराती हुई कहती है, उद्धव ये मूर्ति नहीं है, ये हमारी प्राण धन किशोरी राधा रानी है। एक बार कृष्ण के विरह में सुबह खड़ी हो जाती है तो दिन भर खड़ी रहती है, बैठ जाती है तो दिन भर बैठी रहती है। इस दशा का कौन वर्णन कर सकता है, प्रेम क्या होता है, ये ब्रज की गोपियां सिखा रही है। एक क्षण भी जो श्री कृष्ण की याद से अलग न होती हो, वो ब्रज की गोपी है। और ये जो याद शब्द है ना, ये बहुत प्यारा शब्द है। गोपिया एक भाव अपना प्रस्तुत करते हुए कहती है, चलने दे रुकूं जब वो
क्या करें मोहन। गोपी कहती है, एक पत्ता भी हिलता था तो गोपी को लगता था कि कृष्ण वापस आ गए। और गोपियों के लिए फिर भी सुविधा थी कि वो श्री कृष्ण की याद में रो सकती थी, लेकिन श्री राधा रानी, श्री कृष्ण कहते हैं, राधा तूने कभी भी मुझसे सच्चा प्रेम किया हो, मेरे विरह में तेरी आंख से एक बूंद अश्रु नहीं गिरना चाहिए। गोपियां कहती है, हे राधा रानी, पता है आज रात को मेरे सपने में कृष्ण आए थे, माखन खा के चले गए। एक गोपी कहती है, पता है राधा रानी, आज कृष्ण आए मेरी मटकी फोड़ के चले गए।